नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे एंड मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। बात करते हैं कल कौन से स्टॉक्स पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि कल मंडे को हम लोग कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप क्या रह सकता है। सो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि मार्केट ने रिकवरी बहुत अच्छे से करी है लास्ट दो दिन के अंदर अंदर, एंड उसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि मार्केट और फर्दर कहां तक जा सकती है, तो उसके लिए हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पांच स्टॉक्स की जो आप लोग कल बाय करके चल सकते हो। एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा, हम इंस्टाग्राम के अंदर भी दो स्टॉक्स और बताते हैं आप लोगों को, यानी कि इन टोटल हम लोग 7 स्टॉक्स आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कल की मार्केट के लिए। सो अगर अभी तक आप लोगों ने इन पांच स्टॉक्स को देख लिया और अगर दो स्टॉक्स और चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है और हमारा इंस्टाग्राम चैनल का नाम है first_investment। ओके, अब हमें जाके वहां पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक की। तो सबसे पहला स्टॉक आता है कैपली पॉइंट, स्टॉक का नाम है कैपली पॉइंट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक शार्प अपमूव दी थी, उसके बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा एंड इवेंचुअली इट गेव अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया, इट गेव अ रीटेस्ट, रीटेस्ट देने के बाद दोबारा ऊपर जा रहा है। ठीक है, एंड ये स्टॉक शायद मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी रिकमेंड करा है फॉर अ लॉन्ग टर्म, मतलब फॉर शॉर्ट टर्म के लिए 6-7 महीने के लिए, एंड मेरे पास भी 411 रुपए से ऑलरेडी है ये स्टॉक। सो आप लोग डेफिनेटली स्टॉक को बाय बना के चल सकते हैं। आई पर्सनली थिंक इसके जो टारगेट्स हो सकते हैं वो 600 अबव रह सकते हैं। सो इस स्टॉक को आप डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। एनी डिप इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज अ वेरी गुड बाय फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सो करंट प्राइस जो इसका चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 465 का। क्या चल रहा है? 465 का इसका करंट प्राइस चल रहा है। सो हमें अगर बाय करना है, कल इंटरडे की मैं बात करूं तो इंटरडे में आप बाय बना सकते हैं, अब 466 के ऊपर बाय बना सकते हैं, एंड आई थिंक द टारगेट शुड बी अराउंड 472 से लेके 475 के आसपास तक है। ओके, सो यहां पर आप लोगों को लेवल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल डिमांड जोन पे ये पर्टिकुलर स्टॉक आया है, और आप देख सकते हैं अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं इस स्टॉक ने क्या करा है, एग्जैक्ट अपने डिमांड जोन पे आया, एक विक काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करा है अपने कैंडलस्टिक, एंड उसके बाद डायरेक्टली ऊपर जाके क्लोज करा है, विच इज अ गुड साइन। ओके, अब अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूंगा, अगर आप यहां देख सकते हैं एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है और कंटिन्यूसली जो स्टॉक फॉर्म कर रहा है वो कर रहा है लोअर लोस एंड लोअर हाइस। कंटिन्यूसली स्टॉक इज फॉर्मिंग अ लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बेसिस में करना क्या चाहिए, अब आप देखिएगा इट काइंड ऑफ फॉर्म्ड अ डबल बॉटम टाइप ऑफ अ पैटर्न एज वेल। आपको एक चीज दिखाता हूं मैं यहां पे, ठीक है, जो ये एक डाउन ट्रेंड आपको दिख रही है, बट अगर आप यही सेम चीज को देखोगे अपने इस कैंडल स्टिक पे, तो ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल यहां पर आप देखोगे कि ये अपसाइड में, यानी कि RSI का एक डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन, और आप देख सकते हैं स्टॉक यहां से ऊपर भी गया है। ठीक है, अब करना क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेवल्स आप देखिएगा कि एग्जैक्ट अपने ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेके दोबारा नीचे आ रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज और आप देख सकते हैं कि गैप है, जिस गैप को इसे फिल भी करना है, और एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस से ही ये नीचे आया है। सो हमें क्या करना है, अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि इसका जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 21241 का, अगर ये इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है, 5 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेती है, यू कैन गो फॉर अ बाय। आई थिंक द टारगेट शुड बी अराउंड उस लेवल से 10 से 15 रुपए के टारगेट्स आपको आराम से मिल सकते हैं इंट्राडे के अंदर, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करके रखिएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, और नेक्स्ट स्टॉक है FSL। फॉर दैट लेट मी ओपन 1 डेली टाइम फ्रेम, एंड आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक राइजिंग चैनल के अंदर, एक राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर ये काम कर रहा है पर्टिकुलर स्टॉक, एंड एग्जैक्ट अपने बॉटम से, अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर जाने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। सो आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू वेरी क्लियरली, देखिए
ये था इसका मिड 61%, इस पूरी कैंडल का 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था ये पर्टिकुलर लेवल, जिसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी थी और नेक्स्ट कैंडल ने भी क्लोजिंग नहीं दी थी, बट लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने इस कैंडल के अंदर एक क्लोजिंग देखने को मिली है, विच इज आई थिंक अ गुड साइन। सो हम लोग यहां पर बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो करंट प्राइस चल रहा है इसका अराउंड 116.65, स्टॉक का नाम है FSL, ठीक है। सो हम लोग बाय कर सकते हैं अबव 117 के ऊपर, और आई पर्सनली थिंक 119-120 तक के टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, और नेक्स्ट स्टॉक मैंने ओपन करा हुआ है, लेट मी सी, अपोलो हॉस्पिटल। यस, अपोलो हॉस्पिटल पे आप यहां देख सकते हैं कि एक सिंपल काइंड ऑफ अ पैटर्न और चैनल फॉर्मेशन था, एक चैनल ये फॉर्म कर रहा था, एक डिसेंडिंग चैनल था, एक क्लियर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इट गिव अ वेरी गुड रीटेस्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल, एंड उसके बाद यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ये एक पर्टिकुलर बढ़िया स्विंग ट्रेड भी बन सकता है अगर आप लोग अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। ये स्टॉक मेरे रिडार में फ्राइडे को नहीं आया, वरना मैं ये सबको रिकमेंड कर देता, बट अभी मेरे रिडार में आया। अगर कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है स्टॉक पे, आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर अराउंड अ टारगेट ऑफ 3300 रुपीज का, ठीक है। सो इस स्टॉक पे आप लोग बाय बना के चल सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल है, 3061 की इसकी करंट प्राइस है, 3065 के ऊपर निकलता है, तो हम लोग एक बाय सेटअप जनरेट करके चल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। ओके, लास्ट स्टॉक इज आईसेक। आईसेक पे आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू, आप देख सकते हैं एक सिंपल डाउन ट्रेंड चैनल था, डाउन ट्रेंड चैनल का इसने बहुत क्लियरली ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक शॉर्ट टर्म चैनल के अंदर और काम कर रहा था, उसका भी ब्रेकआउट देके ये काम कर चुका है। सो यानी कि मतलब 410 के ऊपर इसने बहुत क्लियरली ब्रेकआउट दे रखा है। सो अब हमें करना क्या है, हमें इसमें एक बाय पोजिशन इनिशिएट करनी है। करंट प्राइस की बात करें तो 418 चल रहा है, 418 के ऊपर हम लोग बाय बना सकते हैं, एंड आई थिंक 428 तक का मिनिमम टारगेट, मतलब नॉट 428, जस्ट वेट अ सेकेंड, यस 425 का मिनिमम टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। बट अगर ये 4724-425 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है, देन आई थिंक द नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 500 लेवल्स, ठीक है। तो स्टॉक को भी हम लोग वॉच लिस्ट के अंदर डेफिनेटली ऐड करके रखेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है वी विल ऐड मोर क्वांटिटीज इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। ओके, सो लेट्स मूव टू निफ्टी, लेट मी ओपन 50 मिनट्स टाइम फ्रेम एज वेल। ओके, सो निफ्टी का मैंने टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है, एंड यहां पर हम लोगों को क्लियर बेसिस पे देखने को मिल रहा है कि इट फॉर्म्ड अ डबल टॉप टाइप सिनेरियो, इट फॉर्म्ड अ डबल टॉप टाइप सिनेरियो। फर्स्ट आप देखिएगा टॉप जो है, इसका जो टॉप है वो एज अगर आप लोग यहां चेक करेंगे वो टॉप ऊपर की साइड बना है, ठीक है। बट अगर आप इसका RSI चेक करेंगे तो RSI नीचे की तरफ है, यानी कि डाउनवर्ड की तरफ डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक शायद नीचे आ सकता है। अब स्टॉक कहां तक नीचे आ सकता है, तो करंट प्राइस इसका क्या चल रहा है, 14,590 का, क्या प्राइस चल रहा है, 14,590 का। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आ सकता है 14,500 से लेके 550 से लेके 500 के आसपास तक का, जो कि इस लेवल से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, ठीक है। बट अगर ये इस रेंज के ऊपर दोबारा निकलना स्टार्ट करता है, यानी कि अगर ये 14,680 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो आई थिंक कि हमारे लिए 14,760 तक के भी टारगेट्स ओपन हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मैं एक जोन क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, ये एक जोन है, और इस जोन का मैं आप लोगों को नाम देना चाहूंगा, ठीक है। ये एक जोन है जिस जोन को हम लोग कह सकते हैं नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। क्या है ये, नो ट्रेडिंग जोन। इस जोन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, जब तक ये जोन के अंदर है आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। जैसे आप देख सकते हैं जोन के ये नीचे है, बाय चांस अगर थोड़ा सा ऊपर खुलता और गैप अप इस लेवल को रीटेस्ट करके नीचे आता है, यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ 14,550 to 14,500। बट अगर इस जोन के ऊपर जाता है, देन अ टारगेट शुड बी अराउंड 14,750 to 14,800 का। ओके, बट इस जोन के अंदर हमें कोई काम नहीं करना है। सो इस तरीके से अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो हम लोगों ने एक ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर रखी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जिस पे सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं। इस पे आपको वीडियो के एंड में शो कर जाएगा, या आप हमारे चैनल पे डेफिनेटली जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, एंड वहां पर भी आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी पे भी आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक ने क्या फॉर्म करा है, डबल टॉप टाइप ही सिनेरियो फॉर्म करा है, बट आरएसआई में भी एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है विच इज अ बैड साइन। ठीक है, स्टॉक नीचे आ चुका है, इसके लिए भी मैं एक जोन क्रिएट कर देता हूं आप लोगों के लिए। इस जोन के अंदर नो ट्रेडिंग जोन है, ये जोन के अंदर एग्जैक्ट अभी अपने जोन के बॉटम पे है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो ऑलमोस्ट यहां से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 200 से 300 पॉइंट की एक फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगर इस जोन के ऊपर जाता है तो भी हम लोग वहां से 200 से 300 पॉइंट की एग्जैक्ट राइजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करना क्या है, इस जोन के अंदर कोई ट्रेड नहीं करना है, जोन के ऊपर या नीचे जाता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को मैंने बहुत क्लियर बेसिस पे समझा दिया होगा। सो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर कुछ सीखा होगा। अभी भी कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे आपको दो स्टॉक्स और मिलेंगे, अगर अभी तक आप लोगों ने जाके विजिट नहीं करा तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को बहुत एजुकेशनल कंटेंट भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने यहाँ कुछ सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपके माइंड में और भी कुछ स्टॉक्स है जो आपको लगता है कि कल ऊपर जा सकते हैं, उसको भी हम लोग टेलीग्राम पे स्टडी करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए गाइस गुड बाय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल।